शहर सहित आसपास के क्षेत्र के लिए ये खबर राहत देने वाली है कि चंबल नदी लबालब हो गई है। धार, घाटा, बिल्लोद सहित कैचमेंट एरिया में हुई जोरदार बारिश के चलते चंबल नदी ने मां चामुंडा के चरण पखार दिए है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते चंबल नदी का पानी डैम नंबर 2 हनुमान पाले से उतरकर मां चामुंडा के मंदिर में प्रवेश कर गया। पानी के लगातार बढ़ते जल स्तर ने मां चामुंडा की प्रतिमा को जलमग्न कर दिया। चंबल नदी पर बड़नगर तहसील के अमलावदिया बीका से लेकर गवर्नमेंट कॉलोनी क्षेत्र में बने हनुमान पाला सहित कुल 4 डैम बने हुए हैं। शहर सहित खाचरोद व रेलवे की प्यास बुझाने सहित उद्योग के संचालन के लिए पूरे वर्ष भर चंबल नदी में इन डैमों में लगभग 1000 MCFT पानी संरक्षित किया जाता है। शहर सहित खाचरोद व रेलवे की प्यास बुझाने सहित उद्योग के संचालन के लिए पूरे वर्ष भर चंबल नदी में इन डैमों में लगभग 1000 MCFT पानी संरक्षित किया जाता है। अच्छी बात यह है कि इस बार बारिश की शुरुआत में ही चंबल नदी में बाढ़ आ जाने से पूरे साल के लिए जल संकट की समस्या से निजात मिल चुकी है।